हाय गाइज, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप सबके सब बहुत बढ़िया होंगे। सो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि मीशो 9 रुपीज सेल में आपको ऑर्डर कैसे करना है। देखो, मैंने लास्ट टाइम ट्राई किया था बट मेरा नहीं हुआ था, लेकिन इस वीडियो में मैं आपको रिकॉर्डिंग दिखाने वाली हूँ कि ऑर्डर प्लेस हुआ है, कैसे हुआ है, कब हुआ है, कौन सा प्रोडक्ट हुआ है, कितने टाइम पे हुआ है, सारी चीजें डिटेल में आपको मैं इस वीडियो में बताऊंगी। तो अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे आगे आने वाले हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। तो सबसे पहले मैं आपको अपनी फोन की स्क्रीन पे लेके चलती हूँ और वहां पे आपको रिकॉर्डिंग दिखाती हूँ कि कौन सा ऑर्डर प्लेस हुआ है, कैसे प्लेस हुआ है, किस टाइम पे प्लेस हुआ है, वो ऑर्डर डिलीवर्ड भी हो चुका है। तो चलो चलते हैं फोन की स्क्रीन पे और पहले देख लेते हैं। तो ये है वो प्रोडक्ट जो 9 रुपीज की सेल में ऑर्डर हुआ है। पहले प्रोडक्ट आपको दिखा देती हूँ। आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे 3 आईलाइनर मिल रहे हैं, ग्लिटर आईलाइनर, जो कि पड़े हैं 9 रुपीज में और एक्चुअल प्राइस है इसका 112 रुपीज। तो अभी आप देख सकते हो ऑर्डर प्लेस हुआ है शाम को 4 बजे 31 जुलाई 2023। आप देख सकते हो 31 जुलाई को ये ऑर्डर प्लेस हुआ है और ये ऑर्डर डिलीवर्ड भी हो चुका है 10 अगस्त को 12:22 पे। एंड नीचे आप देख सकते हो ऑर्डर डिटेल्स, टोटल प्राइस है 112, 103 रुपीज का डिस्काउंट है और ऑर्डर टोटल पड़ा है 9 रुपीज का। तो ये 9 रुपीज का ऑर्डर पड़ा है। अब आगे आपको बताती हूँ कि ऑर्डर प्लेस कैसे हुआ है। सो देख लिया आप लोगों ने रिकॉर्डिंग की ऑर्डर प्लेस हुआ है एंड आपने उसमें देखा कि 31 जुलाई को ऑर्डर प्लेस किया गया था एंड 10 अगस्त को ये ऑर्डर डिलीवर्ड हो चुका है, ठीक है। एंड सबसे पहले तो मैं आपको क्लियर कर देती हूँ कि ये जो रिकॉर्डिंग है, ये जो ऑर्डर है, ये मेरा नहीं है। मतलब ये मेरे से ऑर्डर प्लेस नहीं हुआ है, ये मेरे एक सब्सक्राइबर ने मुझे इंस्टाग्राम पे भेजा है कि मैम मेरा 9 रुपीज का ऑर्डर प्लेस हो गया था। अब मैंने उस टाइम ऑर्डर प्लेस करते वक्त में मैंने रिकॉर्डिंग नहीं की क्योंकि मैं वीडियोज तो बनाती नहीं हूँ। तो उन्होंने मुझे ये वीडियो भेजा इसलिए क्योंकि मैंने लास्ट एक वीडियो में बताया था जब मैंने 9 रुपीज सेल का ट्राई किया था बट मेरा नहीं हुआ था। एंड आपको उसमें मैंने लाइव रिकॉर्डिंग पे भी दिखाया था कि हम जैसे ही क्लिक कर रहे हैं उस पर सोल्ड आउट का प्रॉब्लम आ जा रहा है। मतलब प्रॉब्लम क्या आ जा रहा है, वो डायरेक्ट सोल्ड आउट ही लिख करके आ जा रहा है। 9 रुपीज में, 49 रुपीज या 99 रुपीज, तीनों में ही मैंने ट्राई किया था, तीनों में ही सेम इश्यू आया था। सारे प्रोडक्ट्स मैंने ट्राई करके देखे थे लेकिन कोई भी एक प्रोडक्ट ऑर्डर मतलब प्लेस हुआ ही नहीं था। एंड जो 5-6 अगस्त को सेल थी उसमें मैंने हर एक टाइम फ्रेम में किया था, लाइक यू नो मतलब 4-6, मतलब दिन को भी मैंने ट्राई किया, रात को भी मैंने ट्राई किया बट नहीं हुआ था। उसके बाद से मैंने छोड़ दिया कि मुझे 9 रुपीज की सेल में ट्राई नहीं करना है। तो उस पर ना बहुत सारे कॉमेंट्स आए थे जिसमें लोग मेरे से एग्री कर रहे थे कि हाँ मैम मेरा भी नहीं हो रहा है, ये फेक है, समझ में नहीं आ रहा है, जैसे क्लिक करते सोल्ड आउट हो जाता है। बट उसमें कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने कमेंट किया था कि मेरा 9 रुपीज सेल में हो गया है। तो मैंने कहा बहुत अच्छी बात है। तो उसमें एक सब्सक्राइबर ने मुझे रिकॉर्डिंग भी भेजी कि मैम मेरा हो गया है एंड ये ऑर्डर मुझे 10 तारीख को डिलीवर्ड भी हो गया है एंड जो ऑर्डर मैंने किया था वो ऑर्डर मुझे मिल भी गया है। जैसे कि उन्होंने, मैंने आपको दिखाया भी रिकॉर्डिंग में कि आई लाइनर उन्होंने ऑर्डर किया था। तो फिर मैंने उनसे पूछा, ये तो बहुत अच्छी बात है कि आपका ऑर्डर प्लेस हो गया, लेकिन ये आपने ऑर्डर प्लेस कैसे किया, अब आप वो बताइए ताकि मैं ये रिकॉर्डिंग के साथ में जो मेरे और सब्सक्राइबर्स हैं उनको बता सकूं कि वो भी ऑर्डर प्लेस कर सके और या फिर मैं भी ऑर्डर प्लेस कर सकूं। ऑफ कोर्स 9 रुपीज में अगर कुछ अच्छा प्रोडक्ट मिल रहा है तो क्यों नहीं, ठीक है। तो फिर मैंने कहा मैं भी ट्राई कर सकूं, तो आप मुझे बताइए आपने ऑर्डर ये प्लेस कैसे किया। तो उन्होंने मुझे बताया कि मैम ये जो सेल रहती है वो बहुत ही कम टाइम की होती है, मतलब सिर्फ 2-3 सेकेंड की ये सेल होती है। अपनी फिंगर की स्पीड मतलब बहुत फास्ट रखनी है, मतलब टाइम पे एकदम टिक 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 ऐसे करना ऑर्डर प्लेस मतलब फटाफट से हो जाता है। तो फिर मैंने उनको ये चीज़ बोली कि मैंने मतलब मेरा वाईफाई का स्पीड है, 5G है, मतलब बहुत फास्ट स्पीड होने के बाद भी किसी भी टाइम पे, जो हर एक 2 घंटे के बाद सेल हो रही थी, किसी भी टाइम पे 9 रुपीज की सेल में नहीं हुआ। सब ने यही दिक्कत दिखाई सोल्ड आउट का। तो मैंने कहा स्पीड के अलावा आपने कोई और चीज़ ट्राई की, कोई और ट्रिक जिससे हम 9 रुपीज़ का ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं? तो उन्होंने मुझे एक और चीज़ बताई कि उन्होंने 2 ऑर्डर किए हैं जिसमें एक तो मतलब ऐसे ही उन्होंने कर दिया और हो गया उनका फटाक से, और दूसरा उन्होंने मुझे बताया कि जो भी 9 रुपीज़ के प्रोडक्ट मतलब रहते हैं ना 9 रुपीज़ सेल में, पहले आप जा करके सारे प्रोडक्ट्स चेक कर लो और जो भी प्रोडक्ट आपको चाहिए उस प्रोडक्ट पे क्लिक करो, और क्योंकि वो करेक्ट अब 8 बजे की सेल है तो करेक्ट 8 बजे ही वहाँ पे ऑप्शन आता है ऐड टू कार्ट या बाय नाउ करने का, कुछ भी उससे पहले हम उसमें कुछ भी छेड़खानी नहीं कर सकते, ना विश लिस्ट कर सकते हैं, ना ऐड टू कार्ट कर सकते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते उसमें, वो करेक्ट 8 बजे पे ही लाइव होता है। तो मैंने कहा फिर उसमें क्या करना होगा? तो उन्होंने बोला कि वो जो
वहाँ पे जो प्रोडक्ट रहता है ना, वो प्रोडक्ट आपको देखना है 9 रुपीज़ में, जो भी प्रोडक्ट आपको चाहिए उस प्रोडक्ट को आप ओपन कर लीजिए। ओपन करके वहाँ पे आप पहले चेक कर लीजिए उस प्रोडक्ट का कोड क्या है। अब मीशो के हर एक प्रोडक्ट में कोड रहता है, ठीक है, तो उस कोड को आपको कॉपी तो होगा नहीं उधर से, ठीक है, फोन में उस जो कोड है ना, उस कोड को आपको सर्च करना है मीशो में, वही सेम कोड को जो 9 रुपीज़ वाली सेल के प्रोडक्ट्स है ना, उन्हीं प्रोडक्ट्स के जो कोड है उन कोड को आपको सर्च करना है। वहाँ से वो सेम प्रोडक्ट जो 9 रुपीज़ सेल में आपको दिखा रहा है, वही सेम प्रोडक्ट को सर्च में लेके जाना है, वहाँ से उस कोड को सर्च करना है, वहाँ से आपको ऐड टू कार्ट कर लेना है उस प्रोडक्ट को। तो जैसे ही सेल लाइव होती है, तो जब आप ऐड टू कार्ट कर लेते हो, और एड्रेस आपको पहले से ही सिलेक्ट करके रखना है, वही सेम प्रोडक्ट को ही उन्होंने बताया कि मैंने एक बार ऐसे ही किया था कि जो प्रोडक्ट मुझे 9 रुपीज़ में चाहिए था, पहले मैंने देख लिया 9 रुपीज़ के प्रोडक्ट्स, तो जो मेरे काम का था उस प्रोडक्ट का जो कोड था वो मैंने वहाँ पे सर्च किया और उसको मैंने विशलिस्ट किया, फिर उसके बाद उसको ऐड टू कार्ट किया, एड्रेस वगैरह वहीं पे मैंने सिलेक्ट करके रख लिया, एंड जैसे ही सेल लाइव हुई मैंने तुरंत ही वहाँ जाके ऑर्डर प्लेस कर दिया, और तुरंत का तुरंत वो हो भी गया था। तो फिर मैंने कहा ओके, मतलब ये मैंने नहीं किया था, एंड ये मुझे पता भी नहीं था कि अगर ऐसा हो रहा है तो एक बहुत अच्छी बात है। तो मैंने कहा ठीक है, अगर इससे ऐसा होता है तो मैं ज़रूर अपने सब्सक्राइबर्स को भी बताऊंगी। एंड अभी डेली रात को 8 बजे सेल चलती रहती है, और भी अभी आने वाली है, मीशो में भी देख रहे हो आप सेल आने वाली है 9 रुपीज़ की फिर से, तो हम दोबारा उसमें ट्राई कर सकते हैं कि जैसे कोई भी प्रोडक्ट है उसका कोड हम सर्च कर लेंगे और वहाँ से डायरेक्ट ऐड टू कार्ट कर लेते हैं, ठीक है, तो ये भी हो सकता है। बाकी उन्होंने बोला कि ये 2-3 सेकंड की सेल रहती है, मैंने बहुत टाइम ट्राई किया है, बहुत में तो नहीं हुआ, लेकिन मतलब एक बार हो गया मेरा ये वाला ऑर्डर प्लेस हुआ, एक बार मैंने इस ट्रिक से किया था, वो कोड वाली ट्रिक से, तो उसमें हो गया। तो सिंपल, मतलब आप एक बार और ट्राई करके देख लेना, डेली रात को 8 बजे सेल तो लगती है, वहाँ पे जाना 9 रुपीज़ वाली सेल में, जो प्रोडक्ट आपको समझ में आ रहा है उस प्रोडक्ट पे जा करके विशलिस्ट उसको कर लेना, ऐड टू कार्ट करके रख लेना, या एड्रेस सिलेक्ट करके रख लेना, और उसके बाद जैसे ही सेल लाइव हो वहाँ से जाके ऑर्डर प्लेस कर लेना, ठीक है। या फिर अभी कभी कभी ऐसा भी होता है ना कि जब हम 9 रुपीज़ वाली सेल में प्रोडक्ट देख रहे हैं तो वहाँ पे तो है, लेकिन उस कोड को जब हम सर्च कर रहे हैं तो वो मतलब क्या कहते हैं, आउट ऑफ स्टॉक दिखा रहा है, कुछ ऐसा दिखा रहा है मतलब कि नहीं हो रहा है। तो आपको एक काम करना है, मीशो ऐप को ओपन कर लेना है, ओपन करते ही आपको जैसे आप एड्रेस रहता है ना, हमेशा मीशो की लोकेशन रहती है, तो आपको अपना एड्रेस ना पहले से ही सिलेक्ट करके रखे रहना है, ताकि जैसे ही सेल लाइव हो ना तो तुरंत 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 आप कर सको, ठीक है। और इन्होंने जो किस टाइम फ्रेम पे किया था वो था 4 बजे शाम को, 4 बजे पे इन्होंने बोला कि मैंने 2 बार जो सेल की है वो 4 बजे पे की है, बाकी और भी टाइम पे मैंने ट्राई किया था लेकिन नहीं हुआ है। तो नेक्स्ट टाइम जब ये ऑर्डर आप करने जा रहे हो, अभी और भी 9 रुपीज़ की सेल लगने वाली है, तो आप उसमें 4 बजे के टाइम में ज़रूर ट्राई कर लेना, मैं भी ट्राई करूँगी, एंड ये जो कोड वाला है तो डेफिनेटली मैं ट्राई करूँगी, रात के 8 बजे हो जाएगा तो बहुत अच्छी बात है। तो मुझे लगा आपको बताना चाहिए, मेरे सब्सक्राइबर जिन्होंने मुझे भेजा, थैंक यू सो मच, एंड आप लोग को भी मैंने बता दिया कैसे करना है आप लोग को, तो एक बार आप लोग ट्राई कर लेना। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया हो, अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को जल्दी से लाइक कर दो, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके जाना, जिससे हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, क्योंकि मैं मीशो से रिलेटेड वीडियोज आपके लिए लेके आती रहती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।